चलिए आज बात करते हैं आगे रेफरेंस मेन्यू में कि इंसर्ट कैप्शन जो है कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इंसर्ट कैप्शन के लिए सबसे पहले हमें जो भी अब चैप्टर यानी लेसन या कुछ भी हम लिख रहे हैं उसके हिसाब से हमें कोई फोटो डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फोटो इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में जाइए, या तो आप पिक्चर से क्लिप डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्लिप आर्ट से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर है, ओके करता हूँ। देखिए ये डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने डाला। उसके बाद सॉरी, मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे फिर से कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ये जो भी डल गया, ठीक है, अपने आप डल गया। ठीक है, थर्ड पेज पे फिर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, मान लीजिए ये मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये डाल दिया। चलिए, ये मेरे पास चार ऑब्जेक्ट हो गए जो मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए इसको सेलेक्ट करता हूँ, रेफरेंस पे जाता हूँ। अब मैंने जो क्या है इंसर्ट कैप्शन लगाने के ऊपर, कैप्शन है, ठीक है, कुछ टाइटल टाइप भी कह सकते हैं कैप्शन को, कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए फिगर 1, आप यहाँ से लेबल का सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसके ऊपर कौन सा लेबल लगाना है। फिगर है, पिक्चर पे हम सॉरी यहाँ पे हम, ठीक है, फिगर है, जैसे ये फॉर्मूला फिगर। तो चलिए, तो मान लीजिए हम पिक्चर 1 2 करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से न्यू लेबल बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ देखिए पिक्चर 1 आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो ये पिक्चर 1 है इस फोटो के ऊपर आए नीचे है, अभी क्या है नीचे है? मैं तो इसको अबो सेलेक्टेड आइटम कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर लिखा है नाम है, और अब करते हैं ओके। ठीक है, देखिए पिक्चर 1 इसके ऊपर, अब कुछ नहीं चेंज करना, ओके करना। ठीक है, सेकंड पिक्चर 2, और अभी देखिए इंसर्ट ऑप्शन पिक्चर 3 4 ऑप्शन पिक्चर 4, ओके। तो देखिए ये मैंने चार जो चीज़ें डाली है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनका टेबल ऑफ मैंने नीचे एक टेबल बनानी है, इनकी जो तो पिक्चर्स हैं, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, जो फिगर में मैंने टेबल उनको डालना है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में यहाँ से ओके डाल देता हूँ। देखिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए पिक्चर 1 2, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी जाएंगे माउस ऊपर जाके छोड़ेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा, जैसे ही कंट्रोल बटन दबाएंगे आप इसमें, मान लो जी मुझे 2 नंबर पिक्चर के ऊपर जाना है, ठीक है, डायरेक्ट मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ, वो पिक्चर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए डायरेक्ट पिक्चर 2 हो गई। तो ये तो हो गया इंसर्ट कैप्शन। अब कैप्शन में देखिए 2 3 टाइप हैं, यहाँ पे देखिए जो मैंने किया इक्वेजन है एंड टेबल है, वो भी हम आपको चलिए लगे हाथों बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मैं मेरे पास इक्वेजन, इक्वेजन क्या होती है देखिए, सबसे पहले तो इक्वेजन जो मैथ के फार्मूलाज हैं उनको इक्वेजन बोला जाता है। ठीक है, जो ठीक है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैथ का फार्मूला, इंसर्ट इक्वेजन यहाँ से फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड आपको कोई बात नहीं यहीं से डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इंसर्ट इक्वेजन सेकेंड, और थर्ड में इसको यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी डालता हूँ इंसर्ट इक्वेजन, ये देखिए पता नहीं सेकेंड थर्ड सेम लगी नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ इन पे भी मैं लगाना चाहूँ, तो फर्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गए, इस पे मैं लगाना चाहता हूँ कैप्शन पिक्चर है, तो मैं पिक्चर को चेंज कर दूँगा, इक्वेजन लगा दूँगा यहाँ पे इक्वेजन। ठीक है, ओके, अगर आप चाहते हैं इक्वेजन में नंबरिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम चेंज करना, जैसे मैंने पहले 1 2 3 किया था, हम चाहते हैं यहाँ पे रोमन में आया ABC आए, ओके, इक्वेजन 3 ABC आए, ओके ओके, फिर इक्वेजन A, ओके देखिए यहाँ पे आया है इक्वेजन A, सॉरी मेरा कर्सर के बीच में था तो गलती से यहाँ पे था मेरा कर्सर, तो इक्वेजन में दोबारा बताता हूँ, तो मैं चलता हूँ यहाँ से इक्वेजन A, ओके ये देखिए इक्वेजन A लगा सकते हैं, सेकंड में इसके ऊपर लगाता हूँ, ओके B, अगर इसको सेलेक्ट करने का तरीका यहाँ सेलेक्ट कीजिए इसको, तब आपका जो इक्वेजन है वो अच्छी तरह लगेगा। देखिए ये मेरा पहला, इसको ऊपर अच्छी तरह नहीं लगा इक्वेजन, तो आप यहाँ से
थोड़ा सा ठीक ढंग से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको करने के, आपको पता चल गया हो। ठीक है, इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर इस टाइप से ये चीजें आपकी जो है दूर, इक्वेशन से दूर आ रही, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, इस टिक पे जाइए जो नीचे है। ठीक है, यहाँ पे जाइए, जस्टिफिकेशन पे जाइए और यहाँ सेंटर पे जाइए, लेफ्ट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ आ जाइए फ्रेंड्स। तो इसके ऐसे कीजिए, जस्टिफिकेशन लेफ्ट, ये यहाँ पे। तो अब चलते हैं अब इसको भी फिगर के रूप में यहाँ पे डालना है, यहाँ पे। ठीक है, तो रेफरेंस डेवलप फिगर और ओके, ये देखिए। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती के कारण, मेरी गलती के कारण आ गया। मैं आशा करता हूँ आप इसको जरूर ठीक कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको थर्ड फॉर्मूला बताता हूँ। थर्ड इंसर्ट का जो है वो क्या है, आप इसके अंदर टेबल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको टेबल डाल के दिखाता हूँ कि कैसे टेबल को डाला जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेबल लेनी है। ठीक है, इंसर्ट में जाऊँगा, वहाँ से टेबल में सेलेक्ट करता हूँ। ओके, वो कैबरे थी, कुछ भी डाल सकते हैं, मैं वैसे ही डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, या वैसे ही टेबल अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस पे जाइए, साइटेशन, ओह सॉरी, तो टेबल। ओके, अब मैं आपको सिर्फ एक ही टेबल डाल के दूंगा, टेबल वन है। आप क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, आप यहाँ चाहते हैं यहाँ डालना, तो इनसे टेबल करके ओके कीजिए, आप टेबल डाल सकते हैं, टेबल वन। ठीक है, तो ये तो होता है तरीका, मैंने बता दिया आपको, आप कर सकते हैं इसे, इसको इंसर्ट कैप्शन लगा के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मार्क एंट्री के ऊपर। ठीक है, तो मार्क एंट्री क्या है, ऐसे शब्द जो बार बार अलग 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 पेजों पर, उनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ड किस किस पेज पे है। ठीक है, और टोटल कितनी बार है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह दिखे। तो रेफरेंस पे चलते हैं, मार्क एंट्री, मार्क एंट्री पे चलिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मेन एंट्री, यहाँ पे आप पेज की रेंज दे सकते हैं। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक इसको कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो वर्ड है उनको लेना चाहता हूँ, देखिए जैसे गैलरीज है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ पे देखिए गैलरीज यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो जितनी बार भी गैलरी, जिन पेजों पर, सभी पेजों पर अगर मैं मार्क कर देता हूँ तो सिर्फ यही गैलरीज मार्क हो। ओके, मैं चाहता हूँ मार्क ऑल, तो जितने भी गैलरीज है सभी पेजों के ऊपर वो सारे मार्क होंगे। ठीक है, उसके बाद चलता हूँ डिजाइन, कीजिए मार्क ऑल। ठीक है, क्रिएट मार्क ऑल, चलो दूसरे पेजों पे लेते हैं, ओवर ऑल ऐसे मार्क ऑल, डॉक्यूमेंट ऑल डायरेक्टली, इसको मैं मार्क करता रहता हूँ साथ ही साथ। टेबल मार्कर कवर ऑल एंट्रियां जो है साथ के साथ मार्क होती जा रही सारी, कंट्रोल्स मैं भी यहीं पे खत्म करता हूँ, आगे आप खुद कर लीजिए देख के। ठीक, तो देखिए जितने मार्क ये थे मैंने जैसे कमांड है इसको कर लेते हैं मार्क। अब मैं देता हूँ बोल्ड दिखाई दे, ठीक है, पेज नंबर फॉर्मेट जिसका पेज नंबर हो बोल्ड में दिखाई दे, या फिर इटैलिक में दिखाई दे जो पेज नंबर है। ठीक है, तो मार्क ऑल हो गया, ओके सॉरी, अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो एक पैराग्राफ का सिंबल है ये जो यहाँ पे, इसको रिमूव करना, तो मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, पेज के लास्ट में आएंगे, यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ रेफरेंस जो अभी हमने मार्क एंट्री की, इंसर्ट इंडेक्स डालना चाहता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ, अगर यहाँ टिक लगा के मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन में देखता हूँ, ओके कहते हैं। ये देखिए कौन से वर्ड किस किस पेज से है, यहाँ पे ये मार्क एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद
आप इसमें एंट्रीज और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, तो हम चलते हैं मार्क एंट्री, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए इजीली, मान लीजिए मैंने इसको किया मार्क ऑल, ठीक है, और प्रोवाइड मैं इसको कर लिया, ठीक है, मार्क एंट्री विद मार्क एंट्री ऑल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑल मार्क ऑल क्लोज। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये तो हटाना ही पड़ेगा, पड़ेगा ठीक है। तो अभी चलते हैं रेफरेंस, यहाँ से जो हमारी टेबल ली थी इसके ऊपर, इसको जब तक हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे अपडेट इंडेक्स देखिए ऑफ है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपडेट इंडेक्स ऑन हो जाएगा, और जैसे ऑन करते हैं तो क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर वो चीज़ें जुड़ गई है। तो ये है अपना इंडेक्स, सॉरी मार्केट, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं मार्क साइटेशन। साइटेशन क्या थी, देखिए जब भी हमने पहले यहाँ पे ये दो साइटेशन लगाई हुई थी, ठीक है, जो कि पैराग्राफ पे लगाई थी हमने साइटेशन, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ दो पैराग्राफ पे दो साइटेशन लगाता हूँ, ये देखिए जिस प्रकार से हमने मार्क एंट्री की है उसी प्रकार से हम मार्क, जैसे ही मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ओके, उसके बाद मैं रेफरेंस पे जाता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ साइटेशन, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ जाती है, इसको मार्क कर देता हूँ। अब लेता हूँ नेक्स्ट साइटेशन, ठीक है, इसको बताओ एक बार, इसको बंद करते हैं। अभी देखिए अननोन के नाम से साइटेशन है, ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, अननोन के नाम से आती है, तो मार्क कर देता हूँ, अभी क्लोज करता हूँ इसको, और फिर से इस पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में आते फिर से, तो मैं चाहता हूँ जो मैंने साइटेशन ले ली दो वो डन इंसर्ट टेबल ऑफ, ओके ओके कर देते हैं। और देखिए ये जो दो टाइप साइटेशन है ये बता दीजिए, पहले नंबर पे यहाँ से आप डाल सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इनको देखते हैं इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं थर्ड साइटेशन डालना उसके बाद टेबल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जरूर समझ में आई होगी, ठीक है, धन्यवाद।